जीडी बख्शी साहब, ये इस बार आपको आर्या पार लग रहा है या यहां पर चीजें पहुंचेंगी, एज तक पहुंचेंगी लेकिन फिर वापस लौट आएंगी? देखिए, वही मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि जापान के रक्षा मंत्री ने काफी अमेरिका के साथ बातचीत के बाद ये खुलासा किया था कि दुनिया की तमाम महाशक्तियां बिल्कुल एक पेज पे हैं कि अगर चीन के लिए भारी कीमत नहीं बढ़ाई गई, ये जो दादागिरी वो कर रहा है, सैन्य दादागिरी, डराने की कोशिश कर रहा है और वो सोच रहा है कि सैन्य प्रदर्शन से ही वो दुनिया को इतना डरा के अपनी सब चीजें मनवा लेगा, इसको रोकना पड़ेगा। और इसके लिए चीन जब तक भारी कीमत नहीं पे करता वो नहीं, चीन को वो नहीं दिखना चाहिए कि उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। जीडी बख्शी साहब, एक मिनट, क्या मैं कंप्लीट कर लूं? देखिए, अभी हाल में जो है चाइना ने 5 डोंगफेंग 21D मिसाइल्स फायर किए थे समुद्र में, उस जगह जहां के रोनाल्ड रीगन जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप था वो वहां पे भ्रमण कर रहा था साउथ चाइना सी में, और उसके साथ यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर निमिट्स था। ठीक है, इसके जवाब में अमेरिका ने मिनिटमैन मिसाइल का टेस्ट किया है जो सीधे बीजिंग की धजियां उड़ा सकता है। अमेरिका का संकेत समझिए, अगर आप समझते हैं कि आप हमारे 1 या 2 एयरक्राफ्ट बैटल एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल्स जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, समझ गया सर, यहाँ नहले पर दहला पटकने की होड़ मची हुई है, बीजिंग नहीं बचेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मिनिटमैन से ये दिखा दिया गया है कि अगर आप इधर डोंगफेंग का इस्तेमाल करेंगे 21 का जो कैरियर किलर कहलाती है तो हमारे पास मिनिटमैन है, ये बात आपने कही। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।